हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कंटेंट्स के अंडर हैंड हम इसको पढ़ेंगे। तो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, तो हम लोग लेवल्स ऑफ या प्रिवेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। ये मेंटेन करता है नॉर्मल डेवलपमेंट को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, और प्रिवेंट करता है डिजीजेस ऑफ माउथ एंड एडजेसेंट पार्ट्स को। तो ये रहता है हमारा प्रिवेंशन। गोल क्या रहता है हमारा प्रिवेंशन के लिए? प्रमोट, प्रिजर्व एंड रिस्टोर द हेल्थ। तो ये चीज़ हमारा, ये तीनों चीज़ों का मेन हमारा रहता है कि भाई हम हेल्थ को भी प्रमोट करें, प्रिजर्व करें और उसको रिस्टोर करें। तो यही हमारा बेसिक गोल रहता है इसके पीछे। तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन जो रहता है ये चार तरीके के रहते हैं। सबसे पहला रहता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। और इन्हीं के जो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन रहते हैं वो है हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो रहता है ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर हैंड आता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर हैंड आता है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन जो रहता है ये टर्शरी प्रिवेंशन के अंडर हैंड आता है। तो सबसे पहले अब हम एक के बाद एक इनको पढ़ते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो रहता है इमर्जेंस ऑफ रिस्क, प्रिवेंशन ऑफ इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन अ पॉपुलेशन ग्रुप्स। मतलब अभी हम रिस्क फैक्टर्स को ही इमर्ज होने से रोक रहे हैं जो कि अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं। तो ये प्योरेस्ट सेंस ऑफ प्रिवेंशन है। मेनली बेस्ट लेवल रहता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। अब क्या हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई स्नैक्स हमें पता है डेंटल केरीज करवाता है, लेकिन हम स्नैक्स को खा ही नहीं रहे, ले ही नहीं रहे, तो वो डेंटल केरीज करवाएगा कैसे? तो मतलब हमने रिस्क फैक्टर की इमर्जेंस से पहले ही उस चीज़ को रोक दिया है। तो इनमें मेन इंटरवेंशन जो रहता है वो इंडिविजुअल एंड मास्क एजुकेशन रहता है, जैसे कि हम डिक्रीज करते हैं टोबैको एडवर्टाइजमेंट को। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन जो रहता है एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़। मतलब अभी हमारी डिजीज़ नहीं हुई है, रिस्क फैक्टर्स तो आ चुके हैं लेकिन अभी डिजीज़ नहीं हुई है, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज़ विल अकर। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया है, हमने प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या पढ़ा था कि रिस्क फैक्टर्स भी इमर्ज नहीं हुए, अपीयर नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ रिस्क फैक्टर्स तो आ गए हैं लेकिन ऑनसेट ऑफ डिजीज़ अभी नहीं हुआ है, उससे पहले ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ रहती है ये इंटरवेंशन हम प्री पैथोजेनेसिस फेज में करते हैं, मतलब डिजीज़ के होने से पहले। मतलब कि हम स्नैक्स तो ले रहे हैं लेकिन अभी तक डेंटल केरीज नहीं हुई है, ठीक है ना। अप्रोचेज इसमें दो रहती हैं, एक रहता है पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी जो कि होल पॉपुलेशन के लिए रहती है। इसमें हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं होल पॉपुलेशन को ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस के लिए, या फिर हाई रिस्क स्ट्रैटेजी रहती है जो हम इंडिविजुअल एट रिस्क पे देते हैं, जैसे कि टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन देते हैं जो भी पेशेंट हाई रिस्क ऑफ डेंटल केरीज के लिए रहते हैं। तो इसमें इंटरवेंशन जो रहता है हम हेल्थ प्रमोशन देते हैं। हेल्थ प्रमोशन को हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज एंड टू कंट्रोल ओवर टू इम्प्रूव द हेल्थ। कि भाई यहाँ पे लोगों को हम कहते हैं कि भाई तुम इंक्रीज करो और कंट्रोल ओवर करो ताकि तुम्हारी हेल्थ इम्प्रूव हो। तो इसके लिए हम अलग अलग अप्रोचेज लेते हैं। क्या रहता है, सबसे पहला हेल्थ एजुकेशन देते हैं। अब वो एजुकेशन किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे तो हम मैरिज काउंसलिंग के तौर पर देते हैं, कैंसर एजुकेशन के तौर पर देते हैं जो कंसेंजुअस मैरिजेस के टाइम पर रहती हैं ताकि जेनेटिक डिफेक्ट्स ना हो सकें। फिर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर रहता है, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स हम लोगों को करना है ताकि मलेरिया डेंगू ये चीज़ें ना रहे। फिर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में उनको गाइड करते हैं, चाइल्डहुड फीडिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, उनकी लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस क्या करवाते हैं हम कि भाई आपको टोबैको नहीं लेना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, योगा करना है। तो ये वाली चीज़ें हम हेल्थ प्रमोशन में देते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है, उनमें हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, पिट एंड फिशर सीलेंट्स देते हैं, वाटर फ्लूइडेशन करते हैं, कीमो प्रोफाइलेक्सिस कर देते हैं, फिर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के हिसाब से उनको बताते हैं, स्पेसिफिक ड्रग्स वो लोग यूज़ करते हैं, जो उनकी फूड की जो क्वालिटी और सेफ्टी है उसको हम
मेंटेन करते हैं ड्रग्स की क्वालिटी को, कॉस्मेटिक्स को, ये सारी, ताकि ये सारा उन हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन उनको दे सके, ताकि आगे फर्दर उनकी डिजीज़ ना हो. रिस्क फैक्टर है एनवायरनमेंट में लेकिन डिजीज़ ना हो. सेकेंडरी प्रिवेंशन जो रहता है, एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़. अब यहाँ पे क्या होता है, डिजीज़ के प्रोग्रेस को वो रोकता है. अब ये इंसिपिएंट स्टेज पे रहता है और ये उसके कॉम्प्लिकेशन को रोकता है. तो जनरली हम लोग इसको अर्ली पैथोजेनेसिस फेज में करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और लेस इफेक्टिव है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिजीज़ यहाँ हो चुकी है. लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोग डिजीज़ होने से पहले उस चीज़ को रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ तो डिजीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है, तो इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन देते हैं हम, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. तो इसमें क्या रहता है, हम लोग अर्ली डायग्नोसिस में भाई स्क्रीनिंग टेस्ट से हम पता लगा लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम लोग पता लगाते लेते हैं, ताकि आगे फर्दर डिजीज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे. ट्रीटमेंट में हम लोग डॉट्स ट्रीटमेंट देते हैं टीबी के लिए. तो ये सारी चीज़ें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में आती हैं. फिर टर्शियरी प्रिवेंशन जो रहता है, अब क्या हो गया, डिजीज़ जो है अब ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है, इंसिपिएंट से अब वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है. तो अब हम लोगों को क्या एक्शन लेना है, टू लिमिट द इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़. तो ये इंटरवेंशन हम लेट पैथोजेनेसिस फेज में देते हैं. तो इसमें दो तरीके के इंटरवेंशन रहते हैं. डिसेबिलिटी लिमिटेशन रहता है, जिसमें हम लोग प्रिवेंट ट्रांजिशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम इम्पेयरमेंट टू हैंडीकैप, कि भाई अब डिजीज़ इम्पेयरमेंट से हैंडीकैप की तरफ न जाए. और दूसरा हम रिहैबिलिटेशन करते हैं. तो हम एक के बाद एक पढ़ते हैं. अब इसमें क्या रहा भाई, जैसे डिजीज़ हो चुकी है, एबनॉर्मल कंडीशन है, उसने फंक्शन को इम्पेयर कर दिया, उसकी वजह से इम्पेयरमेंट हुआ, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो लॉस हो गए. डिसेबिलिटी हुई उसकी वजह से, तो वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से वो हैंडीकैप हो गया, तो अपना फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, सपोज़ कीजिए उसने अपने लॉस ऑफ फुट किया है, तो ही कैन नॉट वॉक. अब वॉक नहीं कर पा रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया. तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिहैबिलिटेशन में हम उसकी फंक्शनल क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, ताकि वो रिस्टोर कर सके उसकी हेल्थ को. तो रिहैबिलिटेशन जो रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स देते हैं, ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग के लिए, जिसकी वजह से हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग हो सके. और एग्जांपल हम इसका स्कूल्स फॉर ब्लाइंड, एक्सरसाइजेस इन पोलियो. तो ये रिहैबिलिटेशन जो है, वैसे तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, अभी हम एक के बाद एक बताएंगे. और ये जो रिहैबिलिटेशन है, ये तो वाइवा में इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, और टाइप्स क्या हैं रिहैबिलिटेशन के ये भी पूछा जाता है. मेडिकल रिहैबिलिटेशन, फॉर एग्जांपल प्रोस्थेसिस दे दिया हमने या स्पीच थेरेपी दे दी, ताकि हमने रीस्टोर कर दिया उसके फंक्शन को. वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में हम लोग उसको पैसे कमाने के बारे में बताते हैं, कि भाई हाउ ही कैन अर्न हिज लाइवलीहुड. सोशल रिहैबिलिटेशन में हम लोग रिस्टोरेशन करते हैं, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे. साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में हम लोग उसकी पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हैं. तो ये अलग अलग तरीके के रिहैबिलिटेशन थे जो हमको पता होने चाहिए. इंटरवेंशन जो रहता है भाई, कोई भी डिजीज़ का डेवलपमेंट रहता है मैन का, तो हम लोग उसमें इंटरवेंशन जो रहता है वो इंटरवीन या इंटरप्ट कहलाता है. तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं. सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देते हैं. टर्शरी प्रिवेंशन में हम लोग डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन देते हैं. तो ये चार्ट हमको मोस्टली याद होना चाहिए. कंक्लूजन क्या रहता है हमारा, पब्लिक हेल्थ जो रहता है, इट इज़ कंसर्न्ड विद हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइडिंग प्रमोटिव, प्रिजर्वेटिव एंड क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल. तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे ये सारी चीज़ें हम लोग देते हैं और सोशल चेंजेस करवाते हैं, एटीट्यूड्स चेंज करते हैं हम हेल्थ केयर के लिए, और उनको बताते हैं कि हेल्थ जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट है और उसको हमको मेंटेन करना है, तभी हम अपनी लाइफ को आगे अच्छे से जी पाएंगे. तो ये जो रहते हैं, सबसे पहला जो ये हमारा है, ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि भाई क्या अप्रोचेज रहती हैं इन प्राइमरी प्रिवेंशन में, क्या अप्रोचेज रहती हैं, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं.
और हेल्थ प्रमोशन के ये चारों अप्रोचेज हैं, ये कैसे कौन सी होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम लोग क्या क्या चीज़ें देते हैं, फिर हम लोगों को ये भी पूछा जा सकता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में तीनों के डिफरेंसेस, और ये पूछा जाता है कि भाई डिजीज़ से क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगा, फिर डिसेबिलिटी होगी, फिर हैंडीकैप होगा, तो इसका एग्जांपल पूछा जा सकता है। रिहैबिलिटेशन मैंने आपको भी बताया है और ये हमारा कंक्लूजन है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।